अगर शहर के मोहनपुरा स्थित निजी बस टर्मिनल में इन दिनों बस शहर के विभिन्न इलाकों में सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ एक भी जरूरत की सुविधा इस बस टर्मिनल में उपलब्ध नहीं है। चाहे पीने के पानी की सुविधा की बात हो या फिर बस टर्मिनल में लोगों की जरूरत के मुताबिक बैठने की सुविधा हो। लोगों का कहना है कि रात के समय कई बार इस बस टर्मिनल में लाइट भी नहीं जलती है, जो कि महिलाओं के लिए बेहद खतरनाक भी साबित हो सकता है। लोगों का कहना है कि बस स्टैंड में प्रशासन को एक गार्ड भी तैनात करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर रात के समय कई शराबी बस स्टैंड में दारू पीकर घूमते हैं और कुछ ने तो बस स्टैंड के अंदर ही दारू पीने का अड्डा भी बना लिया है। नेशनल लाइव से बात करते हुए जिला परिषद के सदस्य मीनाक्षी विश्वास ने भी निजी बस टर्मिनल्स के बारे में बताया और उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि बस टर्मिनल्स को बेहतर बनाया जाए ताकि लोगों को सहूलियत मिले। नेशनल लाइव से बात करते हुए जन क्रांति पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष वेंकट राम बाबू ने बताया कि शहर के एकमात्र निजी बस स्टैंड में ना ही बराबर पानी पीने की सुविधा प्रदान की गई है और ना ही वहां पर कोई लाइट जलती। उन्होंने भी प्रशासन से अपनी पार्टी की ओर से सब बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने की मांग की है। ये जो हमारे प्राइवेट बस जहाँ पर खड़े होते हैं उसका जो शेड है वो भी बहुत, हम लोग भी बस में यातायात करते हैं, प्राइवेट बस में जाते हैं, इसमें जो है ना वहाँ का शेड के लिए हम लोग डीपीसी मीटिंग में भी बहुत बार बोले हैं कि इसके ऊपर जल्दी से जल्द मतलब उसका एक्शन लिया जाए ना।